नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बंगाल के लोगों के साथ ममता लगातार खिलवाड़ कर रही हैं। इस बार ममता के काले चिट्ठे उजागर हुए तो लोगों में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि ममता सरकार पर सीसीटीवी घोटाले का बड़ा आरोप लगा है और ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिससे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एक के बाद एक आरोपों से घिरती जा रही ममता सरकार पर अब सीसीटीवी घोटाले के आरोप लगे हैं, जिससे ममता बनर्जी बुरी फंस गई हैं। दरअसल साल 2012 में राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड के बाद पूरे देश के प्रमुख शहरों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए की धनराशि आवंटित की थी। आरोप है कि राज्य सरकार ने उस धनराशि से सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल नहीं किए और गबन कर लिया गया। सयोनी सेनगुप्ता नाम की एक अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है और ममता सरकार को घेरा है। उन्होंने बताया कि निर्भया कांड से सबक लेते हुए देश के सभी महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना केंद्र सरकार ने लागू की थी। इसके लिए कुल 181 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। इसमें से 56 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र से मिला था। आरोप है कि 2019 में आवंटित हुई धनराशि का इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ, जबकि इसका पूरा हिसाब भी राज्य ने केंद्र को नहीं दिया। वकील ने बताया है कि सबसे पहले कोलकाता पुलिस को सीसीटीवी कैमरे लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जब शहर की पुलिस इसमें व्यस्त रही तो राज्य सरकार ने सॉफ्टवेयर कंपनी को कैमरे इंस्टॉल करने की जिम्मेदारी दी। उस समय पता चला कि वेबेल को कैमरा इंस्टॉल करने का ठेका देने में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था, जिसकी वजह से ये काम रुक गया था। आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर मेट्रो शहर में सीसीटीवी लगाने का फैसला किया था। कोलकाता के लिए 181 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था और 56 करोड़ भेजे गए थे। साल 2019 से आज तक कोई काम नहीं किया गया है। कोलकाता पुलिस की नाकामी के बाद वेबेल को जिम्मेदारी मिली, लेकिन टेंडर में भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि कैमरा इंस्टॉल करने का सारा टेंडर केवल दो कंपनियों को दिया गया था। इसी संबंध में उचित जांच और केंद्र की ओर से आवंटित धनराशि के बारे में पता लगाने के लिए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई। बुधवार को कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और जल्द ही इस मामले पर सुनवाई होगी। ममता सरकार सीसीटीवी घोटाले में बुरी तरह से फंस चुकी हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुलेआम महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है और केंद्र से आए सीसीटीवी के बजट को हजम कर लिया है। वहीं अब कोर्ट जल्द ही इस मामले के आरोपियों पर सख्ती बरतेगी और ममता सरकार को पूरा हिसाब देना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।